भारत में रह रही सीमा हैदर के खिलाफ उसके पाकिस्तानी पति ने कानूनी लड़ाई छेड़ रखी है। लेकिन इसी बीच सचिन मीणा की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। सचिन ने गुलाम हैदर को अनाप शनाप ना बोलने की चेतावनी दी है। उसका ये भी कहना है कि अगर उसने बोलना शुरू किया तो पाकिस्तान भी हिल जाएगा। सचिन मीणा का गुलाम हैदर को चैलेंज। पाकिस्तान हिलाकर रख दूंगा। सीमा हैदर पिछले साल पाकिस्तान से भारत आई, लेकिन उसकी कहानी में ट्विस्ट आना जारी है। उसके पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर ने पाकिस्तान को भी हिलाकर रखा है। वो लगातार पाकिस्तान से सीमा के खिलाफ बयानबाजी कर रहा है। वो सीमा हैदर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहा है। गुलाम हैदर अपने 4 बच्चों की कस्टडी की मांग कर रहा है, जिससे सीमा और सचिन मीणा के परिवार की भी नींद उड़ी हुई है। पिछले दिनों सीमा के वकील एपी सिंह ने इस मामले पर प्रतिक्रिया दी थी। उनका कहना था कि गुलाम सीमा पर केस नहीं कर सकता। एपी सिंह का कहना था कि गुलाम हैदर शत्रु देश का नागरिक है और उसकी याचिका की भारत के अंदर कोई वैधता नहीं है। याचिका केवल गुमराह करने के लिए की गई है। लेकिन बार बार गुलाम के बयान आने के बाद सचिन मीणा भी गुस्से में दिखाई दे रहा है। सचिन की इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। उसने गुलाम हैदर पर जोरदार हमला किया। वहीं सचिन ने एक इंटरव्यू के दौरान गुलाम को जवाब दिया। सचिन का कहना है कि गुलाम 4 साल से कहां था, तब उसे अपने बीवी बच्चों की याद नहीं आई। 4 साल से उसका सीमा के साथ कोई संपर्क नहीं था और ना ही उसने कभी सीमा और बच्चों की खोज खबर ली। क्या तब गुलाम को याद नहीं रहा कि उसके 4 बच्चे भी हैं? सचिन का कहना है कि साल 2020 से उसका संपर्क हुआ था। इतने साल बीत गए थे, गुलाम ने अपने बच्चों से बात तक नहीं की। अब जब सीमा और बच्चे भारत में रह रहे हैं तो वो बच्चे बच्चे चिल्ला रहा है। सचिन मीणा यहीं पर नहीं रुका, उसने गुलाम को सोच समझ कर बोलने की चेतावनी दी है। उसका कहना है कि वो बोल भी सकता है, लेकिन अभी संयम से काम ले रहा है। अगर उसने बोलना शुरू किया तो वो पाकिस्तान को हिला देगा। सचिन मीणा के तेवर से जाहिर है कि वो गुलाम से काफी भड़का हुआ है। अब सचिन ने गुलाम को डायरेक्ट मैसेज भी दे दिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि गुलाम की क्या प्रतिक्रिया आती है। गुलाम हैदर ने सीमा और सचिन के खिलाफ धोखाधड़ी का केस किया है। गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक उसका केस लड़ रहे हैं। गुलाम हैदर का कहना है कि कानूनी तौर पर वही सीमा का पति है, इसलिए वो सचिन और सीमा की शादी भी नहीं मानता। इतना ही नहीं, गुलाम ने अपने वकील के जरिए सीमा, सचिन और उनके वकील एपी सिंह को मानहानि का नोटिस भेजा है। सीमा और सचिन पर 3-3 करोड़ तो वहीं एपी सिंह पर 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।